हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ढोकला। ढोकला जो हमारी गुजराती डिश है, इसके लिए मैंने लिया है राजधानी बेसन, एक छोटी सी कटोरी। उस कटोरी की नाप से मैंने इसमें बेसन ले लिया है, और इसमें बेसन के साथ में इसमें कर्ड यानी दही का जितना बेसन था उतना ही दही मैंने फिर मिलाया है। इसमें दही के साथ मैंने उसके बाद नमक डाला है। नमक के बाद फिर उसमें हल्दी थोड़ी सी डाली है ताकि ये मैं कलर अच्छा आ जाए इसमें। अब इसको हम रिंग से चलाएंगे ताकि फेंट लें अच्छे से, और मिला करके रख लेंगे इसको थोड़ी देर, 1 घंटा या आधा घंटा के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे फेंटते हुए। और इसको एक ही लाइन में फेंटना है, यानी उसको चारों तरफ नहीं फेंटना है, एक ही तरफ से फेंटना है। और फेंटने के बाद इसको ये आप रख कौन है? दीजिए। फिर उसके बाद आप 1 घंटे बाद इसको लीजिए और फिर इनो डाल दीजिए। इनो डालकर एक साइड ही इसको फेंट कर फिर आप थाली में इसको धीरे धीरे फेंट कर पलट दीजिए। पलट देंगे और फिर गैस पर कढ़ाई रखेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, और जब पानी गर्म हो जाएगा तो इसको उसी ये पे कर लिया। रख देंगे और ऊपर याद कर से लिया। याद ढक देंगे ताकि ये हमारा ढोकला अच्छे से पक जाए। अब क्या करेंगे, इसमें तड़के की तैयारी करेंगे। तड़के के लिए मैंने लिया है एक पैन। पैन में डाला है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल में डाल करके फिर इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल डाल के इसमें मैंने करी पत्ता डाल दिया है। करी पत्ता के साथ में आप डालेंगे राई और खड़ी मिर्च डाल देंगे और इनको तल देंगे। तलने के बाद फिर इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करके इसमें 1 कप या 1 कटोरी भर के पानी डाल देंगे, छोटी कटोरी, ताकि जब हमारा ढोकला पक जाए तब इसी के ऊपर हम इसको फिल करेंगे। आप ढोकला मेरा देखिए पक गया है। अब मैंने इसको काट लिया है। काटने देखिए मेरा ढोकला कितना स्पंजी बना हुआ है। अब इसी ढोकले पर मैंने ये जो शरबत बनाया था और ये इसी के ऊपर आप डाल देंगे, और फिर जितनी इसमें मिर्चें हैं वो भी सब इसी में मिर्च डाल देंगी, और सारा जितना भी इसका फ्लेवर था इसी में आ जाएगा। अब ये मेरा ढोकला तैयार हो गया है। ये देखिए कितना स्पंजी और अच्छा यम्मी बना हुआ। इसमें चीनी का फ्लेवर देखो, अच्छा थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा बन के तैयार हो गया। यम्मी।